टोंक में लाठी कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इतिहासकारों की माने तो इस कला का इस्तेमाल मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए आदिकाल से ही करता आ रहा है। पेड़ों की मजबूत टहनियां और शाखाओं का तोड़कर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की परंपरा युगों से चली आ रही है। आमतौर पर यह बांस की बनी हुई होती है और इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 फीट तक की होती है। उत्तर भारतीय क्षेत्रों में इसे लोग अपने घरों में अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसको चलाने के लिए किसी खास प्रशिक्षण की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस लाठी से खेली जाने वाली कला को जहाँ भारत के कुछ राज्यों में लाठी खेल कहा जाता है, वहीं दक्षिण भारत में इसे कलारीपट्टू और सिलम्बम के नाम से भी जाना जाता है। उस जमाने में मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी कि लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार बना सके। धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ और आदि मानव ने अपनी इस कला को लेकर परिवर्तन करना शुरू किया। आदि मानवों की पुरानी गुफाओं में दीवारों पर अक्सर हमें ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं जिनमें मनुष्य को अपनी रक्षा करने के लिए पेड़ों की टहनी, डंडा या लाठी का प्रयोग जंगली जानवरों को डराने या भगाने के लिए भी करते हुए दिखाया गया है। धीरे धीरे मानव सभ्यता और विकसित हुई और मनुष्य ने अपना पेट भरने और शिकार करने के लिए लाठी का प्रयोग किया, लेकिन इससे खेले जाने वाली युद्ध कला समय समय पर बदलती भी रही है। कभी मुगलों द्वारा तो कभी राजपूत योद्धाओं द्वारा लाठी चलाने वाले योद्धाओं की अलग अलग टुकड़ियां भी बनाई जाती थी जो उस दौरान युद्ध में अपनी अहम भूमिका भी निभाते थे, लेकिन वर्तमान में यह कला और इसकी प्रतियोगिता कम होती जा रही है। वे खेल जो भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े नहीं है उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि लाठी कला का भारत में इतिहास काफी पुराना है। इस कला की घटती लोकप्रियता को देखते हुए यूथ पीस एंड वेलफेयर सोसाइटी और टोंक रॉयल वेलफेयर सोसाइटी ने साथ मिलकर इस लाठी कला प्रदर्शनी का आयोजन करवाया, जिसका उद्देश्य हमारी संस्कृति और इतिहास की कलाओं को वापस लोकप्रियता दिलाना और उन युवाओं के मन में इस कला के प्रति रुचि बढ़ाना है जिसके माध्यम से उनका शारीरिक व मानसिक विकास हो सके और वे इस इतिहास के बारे में जान सके। टोंक के नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले रॉयल फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के सदर साहबजादे मोहम्मद अहमद का कहना है कि टोंक नवाब के दौर से ही लाठी कला टोंक में काफी लोकप्रिय है। टोंक के साथ ही भारत के इतिहास को जीवित रखने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे 30 अक्टूबर को टोंक में शाम 4 बजे मैरिज हॉल डाइट रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें टोंक के खेल प्रेमियों ने भाग लिया, जिसमें टोंक, उनियारा, मालपुरा, निवाई और कोटा के युवकों ने भाग लिया। इस मौके पर खेल एसोसिएशन के मुमताज राही, वफ बोर्ड के पूर्व सदर मोहम्मद अहमद उर्फ भैयू, साहबजादा अब्दुल कवी खान, साहबजादा एजाज खान, रईस अहमद एडवोकेट और यूथ पीस एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य शामिल हुए। नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल फाजिल खान है, यूथ पीस एंड वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। किस तरह का आज लाठी का आयोजन किया गया? यूथ पीस एंड वेलफेयर सोसाइटी और रॉयल फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से के तत्वाधान में आज ये प्रोग्राम किया गया था, जिसका मकसद था जो हमारे पिछड़े इतिहास में जो हमारे बहुत अच्छे जाने माने मार्शल आर्ट थे वो जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, तो उनको बढ़ोतरी देना बच्चों के और मानसिक और शारीरिक शिक्षा का और मानसिक और शारीरिक फिटनेस उनके लिए कितनी ज़रूरी है इसके बारे में बताना। हम हफ्ते दो हफ्ते में ऐसे कैंप करवाते रहते हैं और आज का कैंप था हमारा जितनी मार्शल आर्ट के गेम है, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, वुशू, किक बॉक्सिंग, थांग था, सिलम्बन जिसमें स्टिक फाइट भी कहा जाता है, तलवारबाजी भी कहा जाता है, इनके अवेयरनेस के लिए हमने कैंप लगाया था। इसमें बच्चों को इन गेम्स के बारे में जानकारी दी, अपन इनमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके बारे में बताया। कहाँ कहाँ से आए थे बच्चे? बच्चे जितनी भी टोंक जिले की तहसीलें थी, निवाई, मालपुरा, उनियारा, सब जगह से बच्चों ने आगे इस डेमोस्ट्रेशन में हिस्सा लिया, प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। नाम बताया। साहबजादे मोहम्मद अहमद खान। किस तरह का आयोजन था? देखिए ये 15 नवंबर से टोंक डे मनाया जा रहा है जो हर साल यहाँ मनाया जाता है। इस साल टोंक रॉयल वेलफेयर एसोसिएशन मना रही है, आज इसकी शुरुआत थी। इसके अंदर हमने जो बच्चे और बुज़ुर्ग थे लकड़ी के हाथ दिखाने के लिए आज का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये खेल करीब करीब टोंक से लुप्त हो चुका है, इसलिए इसकी आज से शुरुआत करी है कि आने वाले टाइम के अंदर इसकी शुरुआत करी जाए। आज जो देखने को मिला इसका बहुत शानदार हमें रिटर्न मिला है, क्योंकि बच्चे बूढ़े यानी करीब आप 10 साल से लेके और 50-55 साल तक के बुज़ुर्गों ने यहाँ पर लकड़ी चलाई है और अपना हुनर बताया है। इससे हमें ये मतलब करीब करीब उम्मीद करते हैं कि टोंक के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ये हुनर अपना परवान चढ़ेगा।